खीर खाने का तो मन कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस खीर को फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस खीर को बनाने में केवल आपको 10 मिनट का समय लगेगा, और सारी मिठाइयाँ एक तरफ है और ये खीर एक तरफ है, इतना ज़्यादा टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी की खीर बनाने की रेसिपी। इस खीर को मैं आपके साथ एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में शेयर करूँगी। किसी भी कप या बाउल से आप इसको मेज़र कर सकते हैं और एकदम परफेक्ट आपकी ये खीर बनकर तैयार हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को। सूजी को आप सेमोलिना या फिर रवा के नाम से भी ले सकते हैं। तो सूजी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई के अंदर मैं ये एक छोटा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लें। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये थोड़े से काजू, बादाम और चिरौंजी डाल रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करके लूँगी। ये लेना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी खीर को बना सकते हैं। इसे हल्का सा ब्राउन होने तक आप फ्राई करके ले लें। अब इसको मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है, और सेम कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप सूजी। आप इसके लिए कोई भी कप या बाउल ले सकते हैं। घी आप यहाँ पर चाहें तो बहुत कम मात्रा में भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतना घी एकदम परफेक्ट रहेगा। 1 छोटा चम्मच में मैंने यहाँ पर सूजी को भी फ्राई कर लिया है। इस तरीके से सूजी को हल्का सा फ्राई करके लेते हैं तो इससे खीर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम लो पर रखा है, और मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसको हल्का सा सेक कर लूँगी। इससे सूजी फूल भी जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसका आपको बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, बहुत ही हल्की सी बादामी हो गई है, इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं भूनना है। अब गैस की फ्लेम को कुछ देर के लिए लो पर कर लेंगे, और लो फ्लेम पर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 3 कप दूध डाल रही हूँ। 250 ml का कप मैंने यहाँ पर लिया है, और 250 ml के कप से मैंने यहाँ पर ये 3 कप दूध ऐड किया है। दूध डालते हुए गैस की फ्लेम को लो पर रखें, इसको हल्का सा चलाते रहिएगा ताकि इसके अंदर लम्स ना बन जाएं। वैसे आपने इसको फ्राई करके लिया है तो इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अभी आपको लगेगा कि आपने इसके अंदर दूध ज़्यादा मात्रा में डाला है और सूजी कम मात्रा में डाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूजी दूध के अंदर डालने के बाद में अच्छे से फूल जाती है, और एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट आपका यहाँ पर रहेगा। अब गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम पर रखा है, और मीडियम फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे। आप इसको तब तक पकाएं तब तक कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल ना जाए, यानी जो खीर है वो थोड़ी सी गाढ़ा ना हो जाए। अब मैं इसको और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने के लिए, साथ ही इसको अच्छा कलर देने के लिए, मैंने यहाँ पर हल्के गर्म दूध के अंदर थोड़े से केसर के धागे को भिगो कर रखा था, वो भी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। साथ में मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये 1/2 कप से थोड़ी सी कम चीनी ऐड की है। 1/2 कप से 1.5 बड़ा चम्मच कम चीनी मैंने इसके अंदर ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। केसर डालना इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इस खीर को बनाने में टोटल 10 से 12 मिनट लगे थे। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ड्राई फ्रूट फ्राई हो जाता है, उसके बाद में आप सूजी को फ्राई करें तो 2 से 2.5 मिनट के अंदर आपकी सूजी फ्राई हो जाती है, और 2.5 मिनट के अंदर सूजी फ्राई होने के बाद में जैसे आप दूध डालते हैं तो ये अच्छे से फूल जाती है। अब खीर जो है वो थोड़ी गाढ़ा हो चुकी है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये थोड़ी इलायची को कूट कर डाल रही हूँ। इससे भी इसका जो टेस्ट है और फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर 3 हरी इलायची को लिया है, इसे कूटकर इसके छिलके को अलग कर दें। इसके बीज को अच्छी तरह से पीसकर आप इसके अंदर डालिए, फ्रेश इलायची का जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। हल्का दरदरा कूटकर आप इसको खीर के अंदर डाल दीजिए। सूजी की खीर ऑलमोस्ट हमारी पककर तैयार हो चुकी है। मैंने इसे यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लिया है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखा और इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाया है, तो एकदम परफेक्ट थिकनेस इसके अंदर आ चुकी है। अब आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़े किशमिश इसके अंदर डाले हैं। 1 से 2 मिनट हम इसको और पका लेंगे ताकि किशमिश इसके अंदर अच्छी तरह से फूल जाए। किशमिश भी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको केवल सूजी, दूध और चीनी से बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब आप देख सकते हैं खीर कितनी परफेक्ट हमारी बनकर तैयार हुई है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा थिक आपकी खीर बनकर तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा थिक करने की आपको इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती है तो ठंडे होने के बाद में ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
पहले आप इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। उसके बाद में आप इसे फ्रीज के अंदर रखकर कम से कम भी 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे अगर आप इसको फ्रीज के अंदर रखकर छोड़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी ये खीर। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट को आप लोग ज़रूर स्वीकार कीजिए। इसे ट्राई करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये खीर की रेसिपी कैसी लगी और आगे आप किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करते हैं। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।